हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं ग्राफिक्स फैक्ट कुलदीप यादव के साथ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैनवा में एक कॉन्सेप्ट टाइप, एक तरह से कॉस्मेटिक लेवल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। कोई साइज ले लेता हूं, ठीक है, और मैं साइज ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, एक तरह से कॉस्मेटिक लेबल में बनाऊंगा और कॉन्सेप्ट बाय। ठीक है, तो ये आपका समझ लो ये डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसमें सर्च करता हूँ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक लेबल, LABEL। ठीक है, तो मैंने कॉस्मेटिक से रिलेटेड मैंने लेबल सेलेक्ट कर लिया है और इसमें से मैं कोई भी एक कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। तो कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा थोड़ा सा सिंपल, एकदम सोवर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सही है। ठीक है, तो अब मैं करूंगा इसको थोड़ा सा चेंजिंग। ठीक है, जो लोगो ऑप्शन रहेगा इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ये सब ऐसे ही रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हटा के और मैं अपना वाला कॉन्सेप्ट रखूंगा। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसमें लिख देता हूँ लोगो। ठीक है, इसे मैंने लोगो रख दिया और लोगो थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट वाई रहना चाहिए ताकि वो हमें लगे कि हाँ ये लोगो है। ठीक है, तो मैं यहाँ से दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ क्योंकि ये फॉन्ट थोड़ा सा स्ट्रेच लग रही है। मैं यहाँ से दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये वाला मैटर हटा के इसमें मैं लिख देता हूँ लोगो। ठीक है, तो ये रहा आपका लोगो और यहाँ से मैं करता हूँ अलाइनमेंट। यहाँ से अल्ट दबाऊंगा और यहाँ से दोनों साइड की कम कर दूंगा। ठीक है, इसको कर देता हूँ डिलीट और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट से दबा के थोड़ा सा छोटा, अल्ट और शिफ्ट दबा करके इसको छोटा कर देंगे और इसको मैं कर देता हूँ वाइट, इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब शिफ्ट और कंट्रोल दबा करके जूम आउट कर देंगे, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, और ये आपका जो फॉन्ट है ये फॉन्ट में थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चेंजिंग में मैं ये वाला फॉन्ट रख देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे जींस टैग, जींस, जींस टैग। ठीक है, क्लोथ कंपनी, क्लोथिंग कंपनी। ठीक है, ये खैर सही है। मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग और ऑप्शन करूंगा, तो मैं इसमें जाऊंगा और इसमें मैं थोड़ा सा क्रिएटिविटी चेंजिंग करने के लिए ऑप्शन बनाऊंगा, तो ये ले लेता हूँ और यहां से मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, और ये आपका कुछ मैटर लिखा हुआ है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये भी मैटर आपका थोड़ा बहुत लिखा हुआ है तो लिखा है 100% कॉटन मशीन वॉश कोटम्बले, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इसमें
इसको भी चेंज करता हूँ और मैं लेबल लिख देता हूँ फेस वॉश, जैसे विटामिन सी का, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। और इसका जो कलर है विटामिन की तरह मैं कर लेता हूँ। इसको मैं कलर थोड़ा दे देता हूँ येलो कलर, यहाँ से जाकर के येलो कलर आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैटर आप देख रहे हैं, तो ये मैटर यहाँ लिख सकते हैं 100%, 100% नेचुरल। नेचुरल एंड 100% नेचुरल फेस वॉश। फेस वॉश ठीक है, मेड इन, ये कुछ भी लिखा हो तो मैं लिख देता हूँ, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया का लिख देता हूँ, मेड इन इंडिया, ठीक है। और इसके मैं कर देता हूँ थोड़ा सा अल्ट दबा करके छोटा, इसकी जो फॉन्ट है इसके फॉन्ट में छोटा कर देता हूँ, यहाँ से पहले इसको हटा करके दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा और चेंजिंग करना हमें, तो ये भी कलर हमें सेम यही कलर चाहिए, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि यही वाला कलर हमारा ये कलर हो जाए, हमने कलर करना से कर दिया है। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट मैं कलर फिल कर लेता हूँ, इसको पकड़ के इस पे सेलेक्ट करके, ठीक है। पहले मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ से मैं, ये नहीं हो रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला ऑप्शन, ताकि हमें विटामिन की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और इसमें लिख देता हूँ, ये पहले कॉपी कर लेंगे और इसमें नीचे आ जाएंगे, इसमें लिख देंगे फेस वॉश, ठीक है। ये मैंने फेस वॉश लिख दिया, और ये जो लिखा है इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसमें लिख दूंगा विटामिन सी विद लेमन एक्सट्रैक्ट, मैं इसमें लिख देता हूँ विद लेमन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो मैटर आप देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, थोड़ी सी चेंज करने के लिए हमें पहले इसको मैटर को चेंज करना पड़ता है, तो ये मैटर ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैटर खैर अच्छा लग रहा है और ज़्यादा काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ से मैं अल्ट और शिफ्ट दबाऊँगा और थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ठीक है, फिर शिफ्ट और कंट्रोल दबा करके इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। अब यहाँ देखें, थोड़ा सा ये वाला भद्दा दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको पहले छोटा करता हूँ और यहाँ से भी इसको भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी भी देखें कि हमारा ये तीनों मैच कर रहा है,
हालांकि ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें। अब इसमें हम डालते हैं कुछ है, जैसे मान लो बॉटल, देखते हैं आता है कि नहीं। बॉटल, अगर बॉटल आ जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि हमें इस डिजाइन को लेबलिंग करना है, ठीक है। तो मैं इस पे आल पे क्लिक करता हूँ, और विटामिन सी टाइप की कोई लेबल है, मैं इस पे ये धरूंगा। तो ये बॉटल पे नहीं बल्कि ये ट्यूब पे रहेगा, ठीक है, ट्यूब। तो मैंने ट्यूब सेलेक्ट कर दिया, अब इसमें आ गया। अभी देखें बहुत सारे ट्यूब ऑप्शन दे रहे हैं, तो मैं इसमें फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा किसी एक पे, ठीक है। तो ये वाला मुझे एक दिख रहा है, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ कॉपी, या फिर डायरेक्ट इसी में ले जाता हूँ, ठीक है। और इसी में ले जाने के बाद मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा और बड़ा, और बड़ा करेंगे तो ये थोड़ा सा ही मैच नहीं करेगा। तो पहली बात तो मैं इसको साइड करता हूँ, ठीक है, और ये जो डिजाइन है इसको हम कर देंगे ग्रुप, यहाँ से कर देंगे ग्रुप, ठीक है। ग्रुप करने के बाद इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, यहाँ से हम जाएंगे कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ सी फिर भी, मैंने दोबारा इसको भी मार दिया, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ जाएं और कंट्रोल के साथ भी। कंट्रोल के साथ भी, ठीक है। और ये जो ट्यूब है, ट्यूब को मैं इसमें लेके आता हूँ, और ये जो डिजाइन बना हुआ है इसको मैं अल्ट और शिफ्ट दबा करके इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करने के बाद थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा, और ये जो ट्यूब है ट्यूब को मैं नीचे भेजूंगा, राइट क्लिक करके इसमें लेयर में जा करके इसको मैं बैक कर दूंगा। बैक करने के बाद अब इसमें देखेंगे ये जो ये पैच दिख रहा है, ठीक है, तो इस पैच को हमें हटाना है। तो पहली बात तो हमें ये चेक कर ले कि ये हमारा ट्यूब इस पे सेटिंग बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी भी देखें ये इसकी जो गैपिंग है ये काफी लंबी दिख रही है, ठीक है, और ये भी। तो हम एक काम करेंगे, इसको एक बार अनग्रुप करेंगे, ठीक है, या फिर कंट्रोल जेड मार देंगे, और इसको मैं करूंगा थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करूंगा। अब सही लग रहा है, लेकिन अब इसके ये जो दिख रहा है इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना है। तो जस्ट मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने के बाद आप इस वाले पोजीशन को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, यहाँ से जाएं और अल्ट दबा करके आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेंटर अलाइनमेंट इसके आ गया, एकदम सेंटर अलाइनमेंट। और ये जो आपका मैटर दिख रहा है, ये मैटर हमें ऐसा लगाना है कि ताकि ये ट्यूब के अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें मैटर दूसरा चूज करना पड़ेगा, या फिर वही मैटर हम रखेंगे। तो यही मैटर हमें रखने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस वाले पोजीशन पे, स्पेसिंग पे, ठीक है। स्पेसिंग पे जाएंगे
तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, लेटर स्पेसिंग। तो इसको मैं और पतला करूँगा, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा। तो अभी भी देखेंगे कि ये आपका काफ़ी सटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार पकड़ूंगा और अल्ट और शिफ्ट के साथ में थोड़ा सा छोटा करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी ई स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी बढ़ा देता हूँ। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ी सी साइड करके दिखा देता हूँ, या फिर इस साइड, ठीक है। इसको मैंने पकड़ लिया और यहाँ से गया, और अब देखें इसकी स्पेसिंग में थोड़ी सी और बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये काफ़ी हद तक ये सही लग रहा है। लेकिन अभी क्या है कि आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है, जो आपको रेड कलर में ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से मेरे लिए भी बेटर लग रहा है, और बेटर तभी लगेगा जब इसमें हम कोई इमेज वगैरह फिल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, एक बार हमें इसमें देखता हूँ लेमन, लेमन में से सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक, ठीक है, और पीएनजी में, ताकि वो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं इसमें से कोई एक सेलेक्ट करूंगा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ये भी नहीं, बहुत सिंपल और शोवर, ठीक है। तो मैं एक तो एक इसको ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और एक और ले लेता हूँ, यहाँ से मैं नीचे गया, ताकि ऐसा उसमें लगाए कि यहाँ हाँ लगे कि ये एक फेस वॉश टाइप के, आपको विटामिन सी का डिजाइन कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। चलते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको करता हूँ ये मिनिमाइज, ठीक है। इसको मैं करता हूँ जूम, और ये ऊपर वाला साइड को करता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को पकड़ के थोड़ी सी अंदर लाता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने अंदर ला दिया, और ये भी मैं अंदर ला करके इसको मैं देखता हूँ कैसा लगता है, ठीक है। तो ये इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, और ये जो लोगो है, इसको मैं लोगो को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है, और ये आपको मैटर जो है ये दोनों और ऊपर करता हूँ, ठीक है। इसको मैं अल्ट दबा करके छोटा कर देता हूँ, और इसकी ये जो मैटर है इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और इसकी जो गैपिंग है इसकी गैपिंग में और कम कर देता हूँ, इसकी गैपिंग मैंने कम कर दिया, यहाँ से अल्ट दबा करके कम कर देता हूँ, ये भी कम हो गया। अब देखें, ये थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, और ये भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों देखें, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अब चाहें तो इसमें हम ये वाला कलर इसे मैच कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हमें दबाने के लिए कोई और ऑप्शन चुनते हैं, तो मैं इसमें जाऊंगा हाल में, या फिर शेप में, या फिर डायरेक्ट हम आ जाते हैं ये वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तो हमने एक बॉक्स ले लिया, और इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ऊपर ले आता हूँ, ठीक है।
तो ये कलर आपका देखें थोड़ा सा पिंक है, तो इसमें जाऊंगा और इसमें मैं थोड़ा सा पिंक कलर को रेडी कलर कर देता हूँ। ठीक है, रेड कलर करने पर थोड़ा सा ये हमें अलग मैच कराना है, हालांकि ये यही कलर रहने देते हैं ये कलर। ठीक है, और देखते हैं मैच करता है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और अब क्या है कि इसको आप चाहें तो इन दोनों को पकड़ के इस साइड कर सकते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको टॉप में ला सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी अच्छा लग रहा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये अच्छा लग रहा है। मैं इसमें जाऊंगा तो लेमन लीफ, LEMON लेमन लीफ, LEAF, देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये देखें लेमन लीफ आ गया। अब मैं लेमन लीफ को कोई एक सेलेक्ट करूंगा सिंगल पीस में। ठीक है, तो सिंगल पीस में मुझे कोई एक ऐसा तो दिख नहीं रहा है, बट खैर अगर मिल जाए तो बहुत बेटर है। तो और नीचे जाता हूँ, देखता हूँ कि सिंगल पीस में मिल जाएगा तो और अच्छा है, क्योंकि सिंगल पीस में अच्छा लगता है और वो डिजाइन भी शो में लुक दिखाता है। ठीक है, क्योंकि उसके बिना हमें थोड़ा सा डिजाइन फीका फीका दिखता है, अगर वो रहे तो और मजा आए। मैं और नीचे जाता हूँ, इसमें थोड़ा सा, इसमें और थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऊपर ही जो मिला था वही देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये आप कुछ कुछ वो सारे प्रीमियम में हैं। ठीक है, तो आपको अगर फ्री में यूज करना है तो फ्री वाले ऑप्शन को उसको सिलेक्ट करना है और आपको खुद डिजाइन करनी है। ठीक है, तो मैं इसमें चला जाता हूँ, देखता हूँ। अब मैं जितना भी नीचे जाऊँगा आई थिंक आई कॉन्ट फाइंड। ठीक है, मैं मुझे नहीं मिल पाएगा तो मैं ऊपर ही जाता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ ऊपर कोई है तो वही ले लेता हूँ, देखता हूँ ये शायद हो सकता है। ठीक है, इसको मैं तो करता हूँ थोड़ा छोटा, तो ये देखें काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है इसमें दे जाए, और ये देखें काफ़ी अच्छे अच्छे पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ प्रीमियम है कुछ बेटर है। खैर यही सही है, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं पत्ते की थोड़ी सी ये इसकी डाली है इस साइड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक और कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको थोड़ी सी राउंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो पत्ता है थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आपके जो नीचे वाला पोजीशन है इस वाले पोजीशन को भी हम थोड़ी सी घुमा देंगे। इसको भी घुमाने के बाद आप चाहे तो ये वाला पोजीशन और ये इन दोनों को पकड़ के ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें आप आपका डिजाइन बनके ये तैयार हो गया। ठीक है, और ये कितना अच्छा लग रहा है डिजाइन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।